उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, कितना जरूरी है इंडियन डांस फॉर्म को जिंदा रखना। वेल आज का जो फंक्शन था स्पेशली टू ऑर्गेनाइज बाय नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, उमा जी हैड ऑर्गेनाइज दिस। इट्स अ फंक्शन वेयर काइंड ऑफ वर्कशॉप टॉक वेयर आई वाज ट्राइंग टू प्रमोट एंड स्पीक अबाउट क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल बॉलरूम डांस फॉर्म्स और उसके किस तरह से पहले होते थे और किस तरह से अभी चेंजेस उसमें आए हैं। इट वॉज मोर ऑफ एन अवेयरनेस बिल्डिंग सेशन एंड ऑल थैंक्स टू नालंदा एंड उमा मैम दैट वी आर हियर टुडे एंड सारे क्लासिकल डांसर्स यहाँ बैठे थे एंड इट फील्स वंडरफुल कि दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। नहीं, संदीप जी ने हमेशा हमें बुलाया है उनके इंडिया डांस वीक में भी हम भाग लेते हैं लास्ट तीन चार साल से तो हम हमेशा उनके साथ जुड़े हुए हैं जो भी एक्टिविटी वो करते हैं उसमें। और मैंने आज पहले ही कहा कि वो तो फैमिली है हमारे, आज गेस्ट नहीं थे तो हाँ उनका रहना आ जाना वॉज वेरी स्पेशल, क्योंकि बच्चों को हम आज के ज़माने में वेस्टर्न डांस के बारे में जानना ही चाहिए। और जब आप कहते हो कि हम क्लासिकल डांसर है तो आपको वेस्टर्न के बारे में भी जानना चाहिए, किसी भी डांस के बारे में, किसी भी डांस फॉर्म की हिस्ट्री ओरिजिन। और वही जो हमने आज सर से हमने सीखी कि कितना उसके अंदर डेप्थ है, कोई भी डांस स्टाइल इज नॉट जस्ट सुपरफिशियल, देयर सो मच हिस्ट्री, सो मच डेप्थ, सो मच नॉलेज, सो मच स्पिरिचुअलिज्म, सो मच ऑफ थॉट गोज इनटू इट, वो आज हमने देखा। और मेरी बहुत ही इच्छा थी कि ये नालंदा के बच्चों को समझे कि ये होता है, ये आज आई थिंक ये प्रयास अच्छा रहा हमारा सर की वजह से। थोड़ा सा बताइए बच्चों के बारे में कि क्या पता चला आपको। आई थिंक क्लासिकल डांस में बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत डेडिकेशन होता है, बहुत पैशन होता है और कहीं ना कहीं पे एक डांस के प्रति पूजा होती है और वो डेफिनेटली दिख रहा था आज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ किसी भी डांस फॉर्म को दोनों हाथों से खोल करके गले लगाना, और आज वही हुआ कि क्लासिकल डांसर्स ने वेस्टर्न डांस को गले लगाया। इट्स अ वे फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स एवर हैपेंड दैट एक वेस्टर्न डांस एक क्लासिकल इंस्टीट्यूट में आकर के कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ दोनों डांस फॉर्म का मिलन हो रहा है। एंड लाइक आई सेड उसको करने के लिए दिल में दरवाजे खुलने चाहिए और वही हुआ आज। सारे बच्चे जो थे यहाँ पे दे वर ऑल विद ओपन आर्म्स एम्ब्रेसिंग इंटरनेशनल डांस फॉर्म डूइंग सम मूवमेंट्स टुगेदर विद मी एज वेल। सो आई थिंक उसका मजा जो है बहुत अलग होता है। आई एम सो थ्रिल्ड दैट इट हैपेंड। नहीं, मैं तो सोचूंगी कि हम कोई कोर्सेज भी ऐसे नए शुरू करें बहुत जल्द। मैं संदीप जी से बात भी कर रही थी कि मुझे ऐसे बहुत मेरी भी इच्छा है कि हम ये सब डांसेस भी हमारे बच्चों को एक इलेक्टिव की तरह, एक ऑप्शन की तरह दे, जिसमें भले वो कोई भी डांस स्टाइल सीख रहे हो या कथक या भरतनाट्यम या जो भी, मगर अगर वेस्टर्न डांस सीखना हो तो आप क्लासिकल से सीखें। वहाँ पे भी क्लासिकल है डांस, आई मीन बॉलरूम डांसिंग इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम वेस्टर्न क्लासिकल। सो आई थिंक ऐसा कुछ सीखो जिसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो मैम बॉलरूम डांसिंग के बारे में सेशन था और उसने कैसे एग्जांपल्स दे बहुत ही ज़्यादा लोगों को समझ में आया जी। पहला आगे रखो एक पीछे, हाँ वो सब तो बदी थी, तो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज सबका है। आप क्या इसे आगे सिलेबस में इंक्लूड कर दिया? नहीं, वैसे सप्तपदी तो हमारी शादियों में होती हैं जो सर ने ली थी और उसी का विवरण चल रहा था। तो वैसे हम लोग कोर्स में सिखाया नहीं जाता मैरिज वाउज, बट आई थिंक इट कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग टू लर्न। डेफिनेटली संदीप सर, इसके अलावा बहुत सारे रियलिटी शोज हमने देखे हैं लेकिन वो लोग डिफरेंट डांस फॉर्म्स को एक्सप्लोर नहीं करते, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, नहीं कर रहे हैं आप तो, बिकॉज दुनिया में बहुत डांस फॉर्म्स हैं और हर डांस फॉर्म जो है हमारे बॉलीवुड म्यूजिक पे बच सकता है, बिकॉज आवर बॉलीवुड म्यूजिक इज़ वेरी एम्ब्रेसिंग टुवर्ड डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। तो हर तरह का डांस फॉर्म जो है वो बॉलीवुड पे हो सकता है, तो प्लीज़ अपने डांस फॉर्म को एक्सप्लोर करिए। और एक छोटी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ना करें
इस गुलाटियाँ मारना बंद करें, सर पे स्पिन्स बंद करें, स्प्लिट्स बंद करें, कार्टव्हील्स बंद करें, बिकॉज डांसर जो है मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से डांसर जो है वो डांस करता है अपने दो पैरों पे, अपने हाथों से, अपने चेहरे से, और उसको एक्सप्लोर करें। बंदर भी गुलाटी मारता है, पर हम लोग उनसे अलग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग डांस कर सकते हैं। सो इसीलिए प्लीज़ डांस एज डांस and don't do gymnastics, don't do acrobatics, because to me that is not dance. स्लिप से आपने ये भी बताया और बच्चों को कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डांस सीख के, राइट, उसमें क्या कहना चाहिए, कितना जरूरी है बच्चों? वेल बिल्कुल, आई थिंक एज अ यंग डांसर आपको अलग अलग जॉनर्स को थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, या कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए। तो जैसे हम स्कूल में हम जाते हैं, हम अलग अलग विषय को पढ़ते हैं और बाद में हम एक विषय चूज करते हैं जो हमको जिसमें आगे बढ़ना हो। सेम अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो शुरुआत में आप अलग अलग डांस थोड़ा सा एक्सपीरियंस करिए ताकि आपको समझ में आए क्या डांस अच्छा है, क्या डांस आपको पसंद नहीं आ रहा। मैं नहीं बोलूँगा इट इज़ नॉट अ गुड डांस, एवरी डांस इज गुड डांस, बट आपको किससे रिलेशन बढ़ता है, आपका संबंध किस डांस से ज़्यादा पास में आता है, वो डांस को आप आगे लेके आगे जाइए। सो एक अवेयरनेस बिल्ड करते हुए फिर नैरो डाउन ऑन टू वन सब्जेक्ट दैट यू लाइक, तभी आप एक कंप्लीट डांसर बन सकते हैं। संदीप सर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो कितनी मेमोरीज है आपके बचपन की, अगर कुछ शेयर करना चाहे, क्या नॉस्टैल्जिक हुआ है बच्चों को देखकर जब आप डांस सीख रहे थे? बिल्कुल, डांस कॉलेज में आना, डांस इंस्टीट्यूट में आना इज ऑलवेज समथिंग दैट आई रिमेंबर। और मैं भी जिस तरह से यहाँ बच्चे आके पूरा दिन भर निकालते हैं अपने डांस इंस्टीट्यूट में, मैं भी इसी तरह से मेरे डांस इंस्टीट्यूट जर्मनी में जाकर के सुबह से लेकर शाम तक का हम लोग भी डांस करते थे। सो इट फील्स वंडरफुल किस तरह से टीचर्स होती हैं, अलग चीज़ें सिखाती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, और किस तरह से लेक्चर होते हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स के ऊपर, और अवेयरनेस बिल्डिंग होती है। आई डेफिनेटली रिमेंबर्ड माय प्रिंसिपल, ही इज़ नो मोर टुडे, बट आई थिंक टुडे जो भी मैं हूँ इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माय प्रिंसिपल, जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया, जो मैंने आज बात की यहाँ पर, इट ऑल टॉट टू मी बाय माय प्रिंसिपल। एंड आई थिंक हमेशा उनको याद करना चाहिए टीचर्स को, एंड इंस्टीट्यूट आर द वंस, ऐसे स्कूल्स आर द वंस जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, इवन फाइनेंशियली हो, दे हेल्प यू इन सो मेनी वेज। और हमारे इंस्टीट्यूट को कभी भूलना नहीं चाहिए, बीट नालंदा, बीट एनी वन एल्स। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, आज की जो यूथ है वो क्लासिकल डांस को जो है रुचि अफकोर्स ले रहे, बट उस तरह से नहीं ले जिस तरह से लेना चाहिए। नहीं, वो मैंने अभी पहले भी कहा कि पहले मुझे हमेशा लगता था कि ज़्यादा झुकाव वेस्टर्न की तरफ है, मगर वो अभी पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। एक सीखना ज़रूर चाहिए, मगर जैसे आपने अभी देखा है तो बहुत कम स्टूडेंट्स थे, आजकल वो ब्लेंडेड टीचिंग चालू है जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन, इसलिए इतने कम थे, नहीं तो शायद ये पूरा हॉल भरा हुआ होता तो सारे हमारे स्टूडेंट्स ही हो सकते थे। मगर कोई बात नहीं, तो है लोगों में रुचि है आज भी, तो मैं वो आशावादी हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि अपनी कला कभी लुप्त नहीं होगी और हो भी नहीं सकती, जहाँ तक ये बच्चे हैं चलता रहेगा आगे। संदीप सर, एनी ऑफ यू अपकमिंग प्रोजेक्ट? वेल, आई हैव माय न्यू प्ले कमिंग अप, इट्स कॉल्ड सम लाइफ ऑफ कर्ण फ्रॉम मृत्युंजय बुक, और मृत्युंजय मराठी ट्रांसलेशन बुक है उसकी, उसका हमने इंग्लिश अडेप्टेशन किया है, डेथ कॉन्करर कर्ण, वो अभी खुलने वाला है कुछ ही महीनों में। सो आई एम रियली डूइंग लॉट ऑफ रिहर्सल्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसमें काफ़ी डांस फॉर्म्स हैं बॉल रूम के अलावा, उसमें थांगटा है, उसमें कल्लरी है, उसमें बहुत फोक आर्ट फॉर्म्स हैं, एंड मैंने भी उनको नया सीखा है एज अ डांसर, सो इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू थिएट्रिकल जर्नी ऑफ माइंड।